हैं प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो लगातार कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण की स्थितियाँ डामाडोल हो रही हैं, ऐसी स्थिति में किस तरीके के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पर वृक्षारोपण किए गए। मेरे साथ में जिला शहरी अभिकरण के परियोजना अधिकारी हैं, उनसे मैं समझूंगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी शहर में शहरी विकास का, शहर में जल संरक्षण को देखना, शहर में सुविधाओं को देखना, उनसे मैं समझने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके के निर्देश शासन द्वारा इस बार दिए गए हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण की स्थितियाँ डामाडोल हो रही हैं, ऐसी स्थिति में किस तरीके के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं और क्या तैयारियां हैं उनकी। सर, क्या है प्रशासन के द्वारा निर्देश? आज पर्यावरण दिवस है, विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिले में किस तरीके के कार्यक्रम होंगे और क्या क्या होना? जैसा कि आप जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज से 52 साल पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में प्रकृति को लेकर के और प्रकृति का मानव से जो जुड़ाव है इसको लेकर के गहन चिंता व्यक्त की गई थी और तब से जो है 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भूजल का स्तर है बेहद गिरता जा रहा है और वनों की कटाई से जो है प्रकृति में इतना संतुलन हो चुका है, आज जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, 47 डिग्री हमारे संभाग के जिलों का हो रहा है। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और 5 से 16 जून तक के लिए 11 दिन के लिए शासन ने विशेष एक अभियान जल स्रोतों के संरक्षण और जल जो भी जल संरचनाएं हैं उनके पुनर्जीवन और अविरल प्रवाह के लिए शासन के द्वारा समस्त जो शासन के विभाग हैं उनको निर्देशित किया गया है। इस क्रम में आज इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है। इसके बाद कल 6 जून को सभी नगरीय निकायों में जल सम्मेलन आयोजित किया जाना है। जल सम्मेलन में जो आज के गंभीर मुद्दे हैं उन पर पर्यावरणविदों और विषय विशेषज्ञों के द्वारा चिंतन भी व्यक्त किया जाएगा, अपने विचार रखे जाएंगे और इसके साथ ही जन सहभागिता के साथ ही एक महाश्रमदान अभियान का भी प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पे जहाँ तक पर्टिकुलर उमरिया की बात करें तो हमारे CMO साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और आज इन्होंने ये जो कलेक्ट्रेट का EVM गोडाउन कैंपस है यहाँ पर भी इन्होंने इस आप सामने देख रहे होंगे ये जो कुंड है इसकी साफ़ सफाई वगैरह करवाई, इसके गहरीकरण के इन्होंने संकल्प लिया है, साथ ही इसके चारों ओर पे वृक्षारोपण का भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा कार्य कराया गया है। अभी ये लगातार देखने में आता कि जो भी कार्यक्रम होते हैं प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो लगातार कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं, इस पर आपकी क्या ठोस पहल होगी? देखिए, समय परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, वक्त बदलता है, जहाँ तक और मुझे लगता है कि प्रकृति ऐसा, पर्यावरण ऐसा मुद्दा है कि जब तक आप खुद व्यक्तिगत तौर पर संवेदनशील नहीं होंगे तो ये केवल जैसा कि आप कह रहे हैं कागजों तक सीमित रहेगा। जहाँ तक पर्टिकुलर अपने ज़िले की बात करूँ तो हमारे ज़िले में सभी CMOs काफ़ी संवेदनशील हैं और पर्टिकुलर उमरिया के लिए तो आप खुद भी देख रहे होंगे कि स्थल चयन से लेकर के और पर्यावरण के प्रति जो उनकी संवेदना है वो देखने लायक है। और इसके साथ ही कल भी मैं आप सभी से आमंत्रित करूंगा कि कल जल सम्मेलन के लिए सगरा तालाब में आइए और वहां पे हमारे अधिकारी की आप व्यवस्थाएँ देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये अधिकारी जो है ये कागजों वाला नहीं, ये प्रैक्टिकल काम करने वाले व्यक्ति। मैं अपने कैमरामैन से भी चाहूँगा कि इस दशा को दिखाएं, इस तालाब की क्या दशा है, इसके उत्थान के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो योजनाएं हैं वो कागजों तक सीमित ना रहें, ये योजनाएं धरातल पर दिखें। निश्चित रूप से जिस तरीके से हम शहरी विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी को सुन रहे थे, उनकी सोच, उनका जो विज़न है वो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि अब उमरिया की दिशा और दशा बदलने वाली है। चूँकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है, पेड़ों की जो स्थिति है लगातार घट रहे हैं, जंगलों का प्रतिशत लगातार घट रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से पहल करनी होगी, ठोस पहल करनी होगी, जिसके लिए सारा प्रशासन अमला आज
मुख्य दिवस पर्यावरण दिवस से लगा हुआ है। यह कार्यक्रम 16 जून तक चलेगा। APR न्यूज पूर्व में शुभकामनाएं देता है कि उनका ये संकल्प सफल हो और हम स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण कर सकें। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ APR न्यूज उमरिया।